दार्जिले के धर्मपुरी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नंदेश्वर की न्यायालय में एक फैसला सुनाया गया है, जिसमें अभियोजन पक्ष के साथियों की गवाही से सहमत होते हुए आरोपी चेतन पिता मिशन जाति भिलाला, वहीं अंतिम पिता मुन्ना और मंगीलाल पिता अमर सिंह निवासी काली बाबड़ी थाना धर्मपुरी, जो तीनों आरोपियों हैं, इन्हें 302 के तहत अपराधी माना गया और अब इन्हें सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा एवं 2,000 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया गया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आरोपियों ने विवाद के बाद में हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने मामला कायम करते हुए जांच में इसे लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और फिर न्यायालय ने अब फैसला सुनाया है। वहीं यह जानकारी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री साहिद खान द्वारा दी गई। 302 आईपीसी का मामला है। इसमें आरोपीगण चेतन, अंतिम, मांगीलाल ने फरियाजी की गर्दन रात में काट दी थी। सोए हुए फरियाजी की गर्दन रात में, रामा नाम के व्यक्ति की गर्दन रात में काट दी थी और उसका प्रकरण चला माननीय न्यायालय के समक्ष और माननीय न्यायालय श्री पीठासीन अधिकारी श्री नंदेश्वर साहब ने उसको प्रमाणित पाया और इनको आजीवन कारावास की सजा और 2-2 वर्षों का जो है वो 2,000 का जुर्माना अधिरोपित किया है। आरोपी चेतन जो अहिरवास का रहने वाला है, उसने फालिये से गर्दन काट दी थी।